हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नस्सो किचन। तो फ्रेंड्स देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ कैरेमल पुडिंग, जो ये इस तरह से रेडीमेड में आती है। इसमें ये पाउडर आता है फ्रेंड्स, इसमें ये इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रेडीमेड सब आता है मिक्स। इसमें पुडिंग पाउडर और शुगर सब आता है इसमें मिक्स, और ये उसमें कैरेमल भी ऐसे रेडीमेड आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हमें ना ये दूध को गर्म करने रख देंगे, आधा लीटर दूध है ये। तो मैं इसको ये गर्म करूँगी, जब थोड़ा आधा ये यानी कि उबलने के लिए आ जाए तभी मैं इसमें ये पाउडर मिक्स करके 2 मिनट पका लूँगी। और चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बनने वाली पुडिंग है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही लगेगा इसमें। चलिए फिर स्टार्ट करते बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ना दूध को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो ये दूध थोड़ा जैसा आधा पक जाए और जैसे थोड़ा उबाल होने के लिए आने लगे तो आप इसे ना पाउडर को है ना मिला दीजिएगा, इस पाउडर को डाल के फिर है ना 2 मिनट तक फिर से पकाते रहिएगा उसको, थोड़ा 2 मिनट तक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दूध उबल गया है, जैसे कि उबलने आ गया है। तो मैं अभी इसमें डालूँगी ये शुगर पाउडर, जो इसमें कैरेमल भी मिक्स है, वो पुडिंग का पाउडर भी मिक्स है। इसको है ना हमें ना 2 से 3 मिनट तक इसको चलाएंगे और पकाएंगे। इसका कलर चेंज हो गया है, देखिए येलो हो गया ये। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कलर चेंज हो गया है ना। तो फ्रेंड्स इसको है ना हम अभी 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, दूध उबल जाए उसके बाद में ये पाउडर ऐड कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट होने आ गए हैं। इसमें फ्रेंड्स आप शुगर मत ऐड करिएगा क्योंकि इसमें पहले से शुगर ऐड रहती है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है हमारा 2 से 3, अब फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको और एक बार मैं चला लूँगी इस तरह से। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद। अब इसको मैं हवा के नीचे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। इसको मैं ना हवा के नीचे रखूँगी ताकि हमारा ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, फिर हम इसको ना फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको एकदम हवा के नीचे रख दी हूँ ताकि मेरा ये जल्दी से ठंडा हो जाए दूध। फिर मैं आपको ठंडा होने के बाद ये बताती हूँ किस तरह से इसको सेट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये दूध अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसको है ना इस ये बर्तन में सेट करेंगे। और ये कैरेमल, सबसे पहले हम इसमें कैरेमल डालेंगे खाली बर्तन में और उसको फैला लेंगे सब जगह। तो देखिए इस तरह से हम इसको सब जगह फैला लेंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से फैला लिया, पूरे में नहीं बस थोड़े में ऊपर के साइड में फैलाना है। अब हम इसको इस दूध को पूरा इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हम अभी फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए हम इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और ठंडा हो जाएंगे, सेट भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको 2 घंटे के बाद फिर दिखाऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारी पुडिंग बनकर रेडी हो गई है। 2 घंटा भी नहीं लगा फ्रेंड्स, एक घंटे में हमारी पुडिंग तैयार हो गई है बनके। तो मैं इसको ना अभी आपको निकाल कर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसको इस तरह से रख के दिखाऊँगी, जैसे हम इसको ऐसा इसके ऊपर रख लेंगे और इसको ऐसा पलटी कर देंगे। तो ऐसा करके हम उसको फिर से निकाल देंगे। तो देखिए वाह, हमारी ये पुडिंग रेडी एकदम। तो देखिए अच्छी लग रही है ना। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा, मज़े से खाइएगा, इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अभी एक
अगली वीडियो में फिर से मैं आपको मिलूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए पुडिंग एकदम रेडी हो गई है हमारी, एक कैरेमल पुडिंग है फ्रेंड्स। तो दिख रही है ना कितनी मज़े की, आप भी बना के देखिएगा इस तरह की, बहुत ही यम्मी बनती है, टेस्टी बनती है। तो मैं आपको फिर अगली वीडियो में फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।